Hello students, hope you are fantastic or you are doing well. So the main practice question, question number 3 है आज का और इस सीरीज में आपका स्वागत है. So we have just started a lecture in which we will discuss or will publish mains practice questions that is helpful for UPSC and BPSC or any state level public service commission examination. Okay, so आज का हम लोग का questions है science and technology से related ये questions है. The question है discuss how solar flares इन्फ्लुएंस अर्थ इन्वायरमेंट. ओके, सोलर फ्लेयर्स जो होता है वो अर्थ इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है. ओके, और हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में है दिया हुआ है. सो देखिए, इस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है विद इन 5 to 7 मिनट्स. आप कितने कंटेंट इसमें आप लिख सकते हो, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो देन आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में उसको क्वेश्चंस को रैप अप करना है, कंप्लीट करना है. अगर आप स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 200 से 300 में इसको आपको रैप अप करना है. ओके, तो कुछ इसके बारे में आपको हिंट दे देता हूँ. व्हाट इज एक्चुअली सोलर फ्लेयर्स. देखिए, सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, ये सडन एक्सप्लोजन होता है अराउंड द सरफेस ऑफ सन. सो व्हेन द सडन एक्सप्लोजन होता है देयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय टैगलिंग और क्रॉसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं ना, उनके मैग्नेटिक फील्ड्स पे जब रीऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो इसमें एक फ्लेयर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सोलर फ्लेयर्स. द सर्फेस ऑफ जो सन होता है ना वेरी पोटेंशियली वेरी बिजी होता है क्योंकि वहां पर बहुत मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस के कारण ये सब ये जब बहुत ज्यादा वहां पे सरफेस पे ये हरकतें होते रहती है. दैट्स व्हाई इट्स सडन, इट इज नॉट रेगुलर phenomenon, it's irregular phenomenon, it's a sudden process. Okay, so because और ये सब जो होता है ना, ये सब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं. ओके, दीज मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं. तो अब ये इसी में सडन एक्सप्लोजन सडन फ्लैशेज आउट होते हैं तो लॉट्स ऑफ एनर्जी जनरेटेड, दैट्स लुक्स लाइक एस फ्लेयर. सो यही होता है सोलर फ्लेयर्स. तो चलिए ये यहाँ पे ले सकते हैं आप इसका. आप रेफरेंस क्या यूज कर कीजिए, नासा का डॉक्यूमेंट्स है अभी हाल ही में रिलीज हुआ था वो आप रेफरेंस यूज कीजिए. सेकंड रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं इनसाइक्लोपीडिया का यूज कीजिए, नेट पे गूगल पे सर्च कीजिए देन यू विल फाइंड इट. ओके, एंड ये सब पढ़ने के बाद अपना एक आप ये इस टॉपिक बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए अच्छा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, तो अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस कोर्स प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा. आप प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मगर मेंस के लिए डेली 1 घंटे जरूर आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज एट ए सडन मोमेंट में 1 और 2 महीने में आप मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इट्स जस्ट ए साइमल्टेनियस प्रोसेस विद योर एग्जामिनेशन. सो ओके, 1 आवर 45 मिनट्स में क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए. ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.